टीचर अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए अडोब फोटोशॉप पर एक और वीडियो। अपने प्रीवियस लेसन के अंदर अडोब फोटोशॉप के प्रीवियस लेसन पर हमने अडोब फोटोशॉप की इंस्टॉलेशन सीखे थे और आज के लेसन में हम देखेंगे अडोब फोटोशॉप के इंटरफेस के मुतालिक और उसकी कुछ बेसिक कमांड्स के मुतालिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे अडोब फोटोशॉप को हम किस तरह से ओपन करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद हमने अपना जो सॉफ्टवेयर है, एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऑल प्रोग्राम की ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे टॉप ऑफ द लिस्ट आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है अडोब फोटोशॉप की है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसके अलावा आप इसको क्लोज करें, इसके अलावा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होती है। सम टाइम ये होता है कि आपको नहीं मालूम कि आपके सिस्टम में आप पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं या किसी फ्रेंड के सिस्टम पर आप बैठे हो, तो कोई ऐसा सिस्टम जो अननोन है आपके लिए न्यू है, तो आप देखना चाहते हैं कि उसमें अडोब फोटोशॉप है या नहीं है। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे जाएं, सर्च बार पे क्लिक करें और यहाँ से सर्च भी हो सकता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो आप ओपन कर सकेंगे, अगर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे सर्च बार में शो हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अडोब, मैंने अभी एडी ही टाइप किया, तो आप देख सकते हैं टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास अडोब फोटोशॉप 7.0 रिजल्ट शो हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करें आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप रूटीन में अगर इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो आप इसको बाहर डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास अडोब फोटोशॉप ये प्लेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी जी सेंड टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप सेंड कर रहे हैं इसको, ये क्रिएट शॉर्टकट क्रिएट कर देगा आपके लिए। यहाँ पे क्लिक करें, आप बाहर डेस्कटॉप पे आए और देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे अडोब फोटोशॉप का शॉर्टकट बन चुका है। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे टास्क बार पे भी शो करवा सकते हैं। टास्क बार पे किस तरह शो करवाना है, मैं ऑलरेडी शो करवा चुका हूँ, तो फिर से इसको शो करवाते हैं। यहाँ पे इसको आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और माउस को ड्रैग करते हुए आप टास्क बार पे इसको प्लेस कर दें। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे शॉर्टकट बन चुका होगा टास्क बार पे। तो मैंने चूंकि यहाँ पे पहले ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट बनाया हुआ है, इसलिए ये दोबारा से एक और नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे भी आप सिंपली अगर क्लिक करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले इसका इंटरफेस के मुताबिक समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास टॉप पे जो बार है इसको हम कहते हैं जो टाइटल बार, जो भी आपके प्रोडक्ट होती है उसका नेम यहाँ पे शो हो जाता है, या आप जो फाइल सेव करते हैं उसका नेम भी यहाँ पे आ सकता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास सिंपल सा इंटरफेस है अडोब फोटोशॉप का, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं इसे फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं किया हुआ तो उनके लिए खासकर ये इंटरफेस का लेक्चर है। तो ये हमारे पास राइट साइड पे टॉप बार में ये मिनिमाइज का बटन है, इसकी मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड पे आपका सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। दोबारा यहाँ पे स्टार्ट सॉरी टास्क बार पे आपके आप जरा क्लिक कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास जी ऑप्शन है रिस्टोर डाउन, तो यहाँ पे क्लिक करें आपकी विंडोज जो रिस्टोर हो जाएगी स्मॉल में आ जाएगी स्मॉल स्क्रीन में, फिर क्लिक करें मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। तो मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि ये हमारे पास हमारा अडोब फोटोशॉप का मेन्यू बार है। फाइल के अंदर आप देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन बेसिक है कमांड, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ओपन एज वगैरह, सेव, क्लोज, ये बहुत सारी चीजें हैं जिन स्टूडेंट्स ने पहले कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं सीखे हुए हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या और भी सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड या ग्राफिक्स के कोई और सॉफ्टवेयर,
वो समझते हैं इन सब चीजों को, तो लेकिन हम क्योंकि सॉफ्टवेयर बिगिनर्स के लिए भी है हमारा लेक्चर्स, तो हम इस तरह से आपको लेसन प्रोवाइड करेंगे जिसमें बिगिनर्स के लिए भी सारा कुछ हो और प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानते हैं अडोब फोटोशॉप के मुताबिक, तो उनके लिए भी बहुत सी चीजें सीखने को यहाँ पर मिलेंगी इंशाल्लाह। तो ये कल के नेक्स्ट लेसन में हम यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फर्दर इसकी डिटेल में जाएंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट मेन्यूज है, ये मेन्यू बार भी हम इंशाल्लाह वन बाय वन सारे सीखेंगे, और इसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन बार है, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी टूल आप, ये हमारा टूल बार होता है ये मुकम्मल, तो टूल बार जो भी टूल आप एक्टिव करते हैं, लाइक ये इस वक्त हमने पिक टूल मूव टूल जो है वो एक्टिव किया हुआ, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगे, जो भी उसके फंक्शंस होंगे, वो मुझे भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो अगर आप यही क्रॉप टूल में चले जाए यहाँ पे, तो सिलेक्शन टूल पे, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप ये हमारे पास टूल होता है जी, लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल है, ओरिजिनल लैसो टूल है, ये कटिंग वगैरह के लिए टूल्स होते हैं पिक्चर्स को काटने के लिए, तो इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाया करेंगी। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेसन में। तो आज इसका मकसद था कि ये हमारे पास जो बार है इसको हम प्रॉपर्टीज बार कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये टूल बार्स हैं जी, और टूल बार्स के बाद ये हमारे पास कुछ विंडोज हमने इंसर्ट की हुई है, टूल बार्स भी कह सकते हैं आप इनको। सबसे पहले हमारे पास नेविगेटर से रिलेटेड है, ये एक ही विंडो के अंदर दो दो ऑप्शन है, नेविगेटर इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कोई भी पिक्चर आप ओपन करेंगे उससे रिलेटेड नेविगेटर्स भी है, यहाँ पे आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाया करेगी। और नेक्स्ट हमारे पास विंडो है कलर स्विचेस और स्टार्स, तो यहाँ पे कलर स्कीम वगैरह आपको सारी टोटल ओवरऑल मिल जाया करेगी। ये हमारे नेक्स्ट विंडो जो है इसमें हिस्ट्री, एक्शंस और टूल प्रीसेट, हिस्ट्री से मुराद आप जितने भी टूल्स आप वन बाय वन जिनके ऊपर काम कर रहे होते हैं अडोब फोटोशॉप पे वर्किंग करते हुए, तो वो सारी हिस्ट्री आपके पास यहाँ पे शो हो जाती है, क्योंकि आप प्रीवियस स्टेप पे जाना चाहें, जैसे आप अनडू जिसे आप कह सकते हैं, तो आप अनडू करना चाहें तो यहाँ से आप प्रीवियस अपने जो टूल्स हैं उन पे जा सकते हैं, एक से ज्यादा भी स्टेप पीछे जा सकते हैं। और ये उसके बाद हमारे पास फर्दर इसके अंदर ही मजीद टैब्स हैं, ये भी हम देखेंगे। और नेक्स्ट टूल है हमारे पास नेक्स्ट टूल बार, लेयर्स के वाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट टूल बार है ये, और अडोब फोटोशॉप में फोटो के ऊपर एडिटिंग करते हुए या कोई भी आप पोस्टर बना रहे हैं, तो अडोब फोटोशॉप में कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये लेयर्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अपने नेक्स्ट लेसन में जो लेसन नंबर टू होगा, तो उसके अंदर हम इसके ऊपर भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको लेयर्स का इस्तेमाल अच्छे से पता चल जाए और प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आपको उसमें कोई भी मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद हमारे पास चैनल्स हैं, पाथ्स हैं, तो ये सारी चीजें भी देखेंगे। और अब उसके बाद अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये कि आपने ये आपके पास जो टूल बार्स हैं, ये आपके पास टूल बार है, और ये आपके पास कुछ विंडोज नेविगेटर है, कलर्स है, ये सारी विंडोज आपने कहाँ से इंसर्ट करनी है, अगर भी फर्ज आपके सॉफ्टवेयर पे शो नहीं हो रही या आप गलती से इसे क्लोज कर बैठते हैं, तो वो किस तरह से आप दोबारा शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे ये टूल बार भी क्लोज करना चाहें तो इसको हाइड कर सकते हैं। तो इन सबको शो करवाने के लिए अगेन आपने चले जाना, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड लास्ट मेन्यू है, इसको आप ओपन करें विंडो को, तो ये क्लिक किया, ये देख सकते हैं टूल्स ये आपके पास शो हो रहे हैं, ऑप्शंस ये हमारे पास जो ऊपर प्रॉपर्टी बार, यहाँ पे इसको ऑप्शंस भी कह सकते हैं, ये भी हमारे पास ऊपर शो हो रही है। फर्दर आप ये फाइल ब्राउजर है आपके पास, तो ये आप देख सकते हैं ये भी आपके पास शो हो रहा है, तो ये आप अनचेक भी कर देंगे तो ये मतलब नॉर्मली शो होता रहता है, आपका जो नॉर्मल इंटरफेस है वहां पे शो होता है। तो उसके बाद ये हम कलर्स, ये ग्रुप बना हुआ आप देख सकते हैं, ये पार्टीशन वही बॉक्स अलहदा से बना है, कलर्स, स्केचिंग और स्टाइल, तो ये इनमें से एक भी आप क्लिक कर दें तो तीनों इकट्ठे ही इंसर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले नेविगेटर पर क्लिक करते हैं, और देखें नेविगेटर के अंदर, नेविगेटर के ग्रुप में दो चीजें थी, नेविगेटर और इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, नेविगेटर इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं कलर को कर देंगे, तो आप स्वेचेस और स्टार्स भी आपको साथ ही मिल जाएगा, कलर स्वेचेस स्टार, तो ये सारी चीजें आपको मिल गई। देन आपके पास हिस्ट्री टूल है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके पास सारे टूल आ गए, और उसके बाद हम मजीद इसमें लेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है,
प्लेयर चैनल ऑफ आर्टी और कटे ही आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो मजीद ऑप्शन है हमारे पास ब्रशेज से रिलेटेड, क्रैकर या पैराग्राफ्स, तो ये भी अगर आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। आमतौर पर हमें इनकी ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, तो इनको ही मैं फिलहाल इंसर्ट करता हूँ। बाकी आगे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो हम देखेंगे जिन चीजों की जरूरत होगी तो फर्दर वो भी इंसर्ट करते जाएंगे यहाँ पे अपने इंटरफेस में स्क्रीन के ऊपर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की ये छोटी सी इंटरफेस पर बनी हुई वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में, लेसन नंबर 2 में, जिसमें हम प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करेंगे अडोब फोटोशॉप पे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर हमारा प्रीवियस लेसन अडोब फोटोशॉप का देख लें, जिसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है वो सारा डिटेल के साथ बताया हुआ है, डाउनलोड कैसे करना है वो भी बताया हुआ है। अगर किसी को डाउनलोड लिंक नहीं मिलता तो हमें कमेंट कर सकता है, कमेंट में मैं आपको डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली अडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अडोब फोटोशॉप की वीडियोज भी आपको रेगुलर डेली बेस पे मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।